हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एविजन इंस्टीट्यूट, एविजन फॉर द गवर्नमेंट जॉब। आज हम लोग रीजनिंग में काउंटिंग फिगर चैप्टर का पार्ट टू करेंगे, जो बेस है स्क्वायर के ऊपर। अगर आप पार्ट वन मिस कर गए हैं तो पार्ट वन ज़रूर देखें, पार्ट वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुरू करते हैं पार्ट टू। देखिए, ये स्क्वायर के ऊपर दिया हुआ है आज का टॉपिक। तो स्क्वायर दो तरीके हो सकते हैं, एक सिमेट्रिक स्क्वायर हो सकते हैं जिसका हर एक बॉक्स 3x3, 4x4, 2x2 या 5x5। इसका मतलब रो और कलम का जितने सारे बॉक्सेस होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे अगर हम देखें इस फिगर में, इसमें 1, 2 और 3, ये तीन बॉक्स हैं, ठीक है बच्चों। अगर मैं कलम में देखूंगा, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, इसमें ये जो है, ये जो पार्ट जो होते हैं, ये 1, 2 और 3 रो है और कलम है 1, 2 और 3, ठीक है बच्चों। अगर सिमेट्री बॉक्स नहीं होते हैं तो कैसे होते हैं? अगर सिमेट्रिक बॉक्स नहीं होंगे तो कैसे होंगे? वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे अगर रो होगा तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। अगर कलम होंगे तो 1 कलम, 2 कलम, 3 कलम, 4 कलम, 1 कलम, 2 कलम, 3 कलम या 4 कलम। इन्हीं दो टॉपिक को, इन्हीं दो स्क्वायर को पर बेस करके आपको सवाल पूछा जाएगा। पहला वाला पिक्चर में अगर पूछा जाए आपसे कितने सारे स्क्वायर होंगे, तो आप क्या कीजिएगा, रो का हाईएस्ट जो नंबर होता है उसके साथ कलम का हाईएस्ट जो नंबर होगा उनका मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे। कब तक करेंगे? जब तक ना वो जीरो आ सके। जैसे रो का हाईएस्ट 3, कलम का हाईएस्ट 3, रो का एक घर कमता हुआ जाएगा, क्रमांक अनुसार एक घर कमेगा। जैसे 2 हुआ, कलम का भी 2 होगा। अब रो का 1 बचा हुआ है, कलम का भी 1 होगा। अगर इसको मैं कैलकुलेशन करूंगा, 3 × 3 कितने होते हैं? 9। 2 × 2 हो कितने होते हैं? 4। 1 × 1 कितने होंगे? 1। इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए, 9+1 10, 10+4 14, तो मेरे पास कितने सारे स्क्वायर होंगे इस बॉक्स में? इस बॉक्स में मेरे पास होंगे 14 स्क्वायर, ठीक है। अगर इस बॉक्स में मैं काउंट करूं कितने सारे स्क्वायर होंगे, तो कलम कितने हैं मेरे पास? 1 कलम, 2 कलम, 3 कलम, 4 कलम। इसका मतलब हाईएस्ट कलम है 4, इसके साथ गुना करेंगे रो का हाईएस्ट 1, 2, 3, मतलब 3 हाईएस्ट है। उसके बाद कलम में 4 अब हो गया, अब क्या करेंगे? 3, रो का कितना होगा? 2, कलम का कितना होगा? 2, तो रो का होगा 1। इसी तरीके से कलम का अगर 1 बनता है तो रो का कितना होगा? 0। बस अब यहाँ पर इस फुल स्टॉप हो जाएगा। अब 4 और 3 को गुना करेंगे तो कितने बनेंगे बच्चों? 12। 3 और 2 को गुना करेंगे 6। 2 और 1 को गुना करेंगे 2। और 1 और 0 को गुना करेंगे तो कितने बनेंगे बच्चों? हो जाएगा मेरा 0। इसका मतलब अगर इन सभी को हम जोड़ दें तो 12+2 14+6 20, टोटल 20 स्क्वायर होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। पिछले मैंने देखा जो कैसे क्या काउंट किया जा सकता है स्क्वायर को, उसी थ्योरी को बेस करके कुछ सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे अगर मैं इसको हम लेते हैं तो कितने सारे होंगे मेरे पास? 1 ये वाले होंगे स्क्वायर, छोटा सा, 1 ये वाले होंगे, 1 ये वाला और 1 बड़ा सा। इसका मतलब टोटल 5 आ गया। अगर आप चाहें तो ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 1 और 2। इसका मतलब 2 और 2 को गुना कर देंगे तो 4 आएगा, 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 आएगा, टोटल कितने होंगे? 5 आएंगे। अब हमने दो तरीके से सीखा, एक बॉक्स को अगर दो हिस्सों में काटा जाए तो टोटल 5 छोटे स्क्वायर बनते हैं, 1 बड़ा, 4 छोटा। इसी थ्योरी को बेस करके कुछ सवाल इस पे दिया हुआ है। अगर इसको हम चेक करेंगे कितने सारे इसमें स्क्वायर होंगे, तो ये बड़ा एक स्क्वायर है, इसको 20 से डिवाइड किया गया तो टोटल कितना बना? 5 प्लस इसको अगर जोड़
इसके बाद ये वाला छोटा जो बॉक्स है, अगर इसको मैं 20 से अलग करूंगा तो कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। कैसे, 1 2 3 4 और ये वरा वाला, अगर इसको मैं काउंट करूं तो ये कितने होंगे, 5 होंगे। कैसे, 1 2 3 4, टोटल कितने होंगे, टोटल हो जाएंगे मेरे पास आंसर 15। ठीक है बच्चों, अब इसको देखिए, ये लग रहा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर मैं इसको मिटा दूं, अगर ये वाले बॉक्स को हम मिटा दें तो मेरे पास एक पिक्चर आता है जो कि इस तरीके का बनेगा। अगर इस तरीके का पिक्चर बनेगा तो आपको आसान हो जाएगा। कैसे, क्योंकि प्रीवियस ही मैंने बताया था, इसमें नंबरिंग कर दीजिए। अगर मैं नंबरिंग कर देता हूं तो हाईएस्ट कलम के साथ हाईएस्ट रो का मल्टीप्लिकेशन करते 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 एक तक हम आएंगे। तो काउंट करते हैं, 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4 एंड 1 × 1 = 1। तो कितने सारे होंगे, 16 और 4 20, 20 और 9 हो गए 29, 29 31, ये तो 30 बने। किसका बना, इसका बना, ये वाला बड़ा बॉक्स को अगर हमने टुकड़ों में डिवाइड किया तो कितने सारे छोटे बॉक्स बने, 30 छोटे बॉक्स बने। ठीक है बच्चों, और एक बड़ा, टोटल हो गया 30। अब हम गौर करेंगे जे हर बॉक्स को 20 से और एक बार काटा गया, छोटे छोटे और बॉक्सेस को डिवाइड किया गया, हर बॉक्स को 1 2 3 4 5, टोटल 5 बॉक्स मिलेंगे। ऐसे करके 1 है 2 है 3 है 4 है, इसका मतलब 5 × 4 = 20। अब टोटल जोड़ देते हैं, 30 + 20, टोटल हम अगर जोड़ेंगे कितने आएंगे मेरे पास, 50 आ गए बच्चों। देखिए लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट नहीं है, अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो आ जाएगा मेरा कितने, टोटल 50 स्क्वायर होंगे। ठीक है बच्चों, देख लीजिए इसे, आशा करते हैं समझ में आ गया बच्चों। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखने से आपका स्क्वायर का जितना सारा कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं हर स्क्वायर का जितने सारे टाइप होते हैं वो सभी दिखा रहे, ताकि अपकमिंग एग्जाम में कोई भी सवाल आपसे छूटा ना जाए। चलिए देखते हैं ये वाला न्यू पिक्चर, इन पिक्चर में अब कितने सारे स्क्वायर होंगे। कुछ देर पहले मैंने सीखा था, अगर एक बॉक्स को मैं इस तरीके से डिवाइड कर दूं तो कितने सारे मिलेंगे, 1 2 3 छोटे बॉक्स, एक बड़े बॉक्स, टोटल हो गया 5। बट जबकि और एक बॉक्स छुपा हुआ है इस तरीके से, तो टोटल कितने हुए, 6 बॉक्सेस हुए मेरे। इसी मेथड को अगर मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ तो आप देखिएगा, ये बड़ा वाला बॉक्स है, इसमें भी वही सेम रूल काम करेगा। देखिए बच्चों, यही वाला पिक्चर यहाँ पर दिखा, तो इसमें से कितना मिला मेरे को, 6 बॉक्सेस मिले, और एक स्क्वायर दिखने को मिला जिसको सेम तरीके से फिर एक वही पैटर्न का और एक बॉक्स मिला, तो अब ये कितना बना, 6 बन गया। टोटल 6 और 6 = 12 हो गया बच्चों। प्रीवियस क्लास में मैंने बताए थे जे एक बॉक्स को अगर काटा जाए इक्वली तो यहाँ पे टोटल कितने होते, 5। ये वाला पिक्चर कहाँ दिखा मेरे को, इस वाले बॉक्स में दिखा, तो टोटल कितने हुए इस बॉक्स से, 5 हो गए। टोटल आप जोड़ लेते हैं, 12, 6 और 6 होते हैं 12, 12 और 5 कितने होते हैं, 17। तो आंसर कितना हुआ बच्चों, 17। ठीक है, इसको एक बार ठीक से देख लीजिए आप लोग साथ। ये कुछ स्क्वायर बेस क्वेश्चन है जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है। पहले शुरू करते हैं एक नंबर। आपको लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट ही है, बहुत डिफिकल्ट, इसको काउंट करने में बहुत टाइम कंज्यूम होगा, बट ऐसा बात नहीं है। कुछ देर पहले हम लोग सीखे थे कैसे करके काउंट किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आप एक काम कीजिए, आप इसके अंदर जो बॉक्स है इसको काउंट करना मत कीजिए अभी फिलहाल। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। हमने आपको बताए थे जी, अगर रो और कलम 5 और 5 रहते हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन होते हैं बड़े संख्याओं के साथ बड़े संख्या का। तो 5 × 5 कितने हुए बच्चों, 25। 4 × 4 कितने हुए बच्चों, 16।
3 into 3 is a 9, 2 into 2 is a 4, 1 into 1 is a 1. आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको. अभी और कुछ देखते हैं. ये बॉक्स के अंदर 1, 2, 3 और 4, 4 तो छोटे हैं और एक बड़ा है, बट मैंने तो इसी में काउंट कर लिए, तो मैं कितना काउंट करूंगा, 1, 2, 3 और 4. अगर ये 4 है तो ऐसा पैटर्न का कितने सारे पिक्चर है, 1, 2, 3 और 4. तो और हम 16 ऐड करेंगे. कैसे? 4 इंटू 4, 4 छोटे स्क्वायर और 4 बार रिपीटेशन हुआ 4 इंटू 4. अब देखते हैं ये छोटे वाले में. इस छोटे वाले में अगर इस बॉक्स को इक्वली और ऐसे डिवाइड कर दिया जाए तो पहले 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर मिलेगा. इसके अलावा मिलेगा एक और स्क्वायर जो इसके अंदर है और एक बड़ा स्क्वायर मिलेगा. बट बच्चों आप जानते हैं ये बड़ा स्क्वायर ऑलरेडी मैंने ले चुका हूं, तो कितने हुए, 1, 2, 3, 4 और एक 5, टोटल हुए 5. कितने सारे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5. 5 इंटू 5 कितने हुए बच्चों, 25. अभी आप इसको अगर जोड़ देते हैं, अगर आप इसको जोड़ देते हैं तो 25 और 25 हो जाएंगे 50, 16 और 4 हो जाएंगे 20, 9 और 1 हो जाएंगे 10 और 16 टोटल आएंगे आपके पास 6, 96. इसका आंसर होगा 96. ठीक है बच्चों, अब आते हैं ये वाला फिगर में. ये वाला फिगर में अगर आप गौर से देखेंगे तो सेम ही है बट कुछ अलग किया गया है. फिर से हम लोग करते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3. अगर ये 3 बाई 3 है तो 3 इंटू 3 कितने होते बच्चों, 9, 2 इंटू 2, 4, 1 इंटू 1, 1. अगर हम कभी भी काउंट करते हैं 3 गुना 3, अगर रो 3 और कलम भी 3 आते हैं तो आसान हो जाते हैं, उसके टोटल स्क्वायर 14 ही होंगे हमेशा. बाकी और भी कुछ बन से, 1, 2, 3, 4 और 4 ऐड कर देंगे तो कितना हुआ बच्चों, 18. और कोई स्क्वायर दिख रहा है, कहीं पर और कोई स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर कितना बना बच्चों, 18. चलते हैं ये वाले फिगर में. अगर आप ये वाले फिगर को गौर से देखिएगा तो इसमें भी एक पैटर्न फॉलो करता है. ये भी 4 बाई 4 का है, इसका मतलब है 4 से 4 अगर गुना करेंगे तो ये कितने होंगे, 16. 3 से 3 गुना करेंगे तो ये कितने होंगे, 9. 2 से 2 गुना करेंगे ये 4. 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 हो गया. तो 16, 4, 20, 9, 29, 29 प्लस 1, 30. टोटल हुए 30. बट अभी काउंट खत्म नहीं हुआ बच्चों, आप गौर से देखिए अगर भीतर में और एक छोटा सा एक स्क्वायर बचा हुआ है, इसको भी तो काउंट करना जरूरी है. तो कितने हुए ये, 31 हुए. इस फिगर का आंसर होगा 31. चलिए आते हैं बच्चों इस फिगर के ऊपर नजर डालते हैं. अब देखिए आपको पता है ये 3, 1, 2, 3 है, ये भी 1, 2, 3 है, तो आपको काउंट नहीं करना, आपको इजीली कैलकुलेशन पता हो गया जिसमें टोटल 14 ही स्क्वायर होंगे. इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, 1, 2, 3 और 4. अगर ये 4 को और ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, ये 18 आ गया बच्चों. आते हैं इस वाले फिगर पे. अगर ये वाला फिगर देखा जाए गौर से तो एक बड़ा सा बॉक्स को डिवाइड किया गया है, तो इसमें कितने सारे, अगर मैं ये वाले पिक्चर को अगर ऐसे ड्रॉ करूं, मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूं तो हमको कितना मिलेगा, 1, 2, 3, 4 और एक बड़ा, टोटल कितने हुए बच्चों, 5. अब इसके अंदर एक ये भी बॉक्स तो पड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों, तो ये हुआ 1. इसका अलावा भी और भी छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, स्क्वायर हैं. देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मतलब आपके पास टोटल कितने हुए, 10 आ गए. ठीक है बच्चों, आते हैं इस बॉक्स के ऊपर. अगर आप गौर से देखिएगा ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4, इसका मतलब 4 इंटू 4 है, रो भी 4 है, कलम भी 4 है. तो मुझे पता है 4 और 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 16, 3 और 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा 9, 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 4, 1 और 1 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आ जाएगा.
अगर मैं इसको टोटल काउंट करता हूं तो मेरे पास ऑलरेडी काउंट किया हुआ है बच्चों, तो ये 30 लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, इसके अलावा भी और दो पैटर्न है। यहाँ पे छोटा एक बॉक्स है जिसको आधा किया गया है, तो 1, 2, 3, 4 और ये वाला मिलकर कितना हुआ, 5। उसी तरीके से इसमें भी 1, 2, 3, 4 और बड़ा वाला लेते हैं तो 5, टोटल कितने हो गए बच्चों, 40। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, बट देखने में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, बट आप कितने आसानी से ये सभी का ही आंसर निकाल पाए। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक बनता है, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।